हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। मैं हूँ आपका रावण। तो आज मैं आ गया हूँ फॉरेस्ट में। यहाँ पे देख सकते हो कि ये अपना बिल्ड अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं किया। वहाँ पे सिर्फ एक ब्लॉक का वॉल ही लगाया और यहाँ पे मैंने ऑफलाइन में बैठ के थोड़े बहुत मेरा रॉक वॉल जो है नीचे, जो कि प्रोटेक्शन के लिए लगाया था, वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि मैंने ये रैबिट का रैबिट हाइड पक लेके यहाँ पे मैंने बेड भी कंप्लीट कर लिया, सेव गेम भी कर लिया मैंने। सो या, तो अभी मैं आज के ये वीडियो में जानना चाहता हूँ कि एक नॉर्मल एक्स जो अभी अपने हाथ में है और एक मॉडर्न एक्स में कितना फ़र्क रहता है। तो पहले मैं ये एक पेड़ को काट के देखता हूँ कि कितने शॉट्स में ये पेड़ कट रहा है, देखते हैं। तो और एक और बात है, मेरे को मॉडर्न एक्स की लोकेशन भी पता है, तो वहां पे जाएंगे आज, थोड़ा बहुत एडवेंचर करने वाले हैं दोस्तों। सो या, ऑलमोस्ट 10 या फिर 12 शॉट्स में एक नॉर्मल एक्स से एक पेड़ कटा। सो या, तो अपन जाके मॉडर्न एक्स का हंट करते हैं और देखते हैं कि एक मॉडर्न एक्स से कितने देर में कटता है एक पेड़। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक और बनी रैबिट मैंने पकड़ लिया, तो अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। सो अभी हम लोग को जाना है मेन कैनिबल कैंप, जो कि फॉरेस्ट के प्लेयर्स उसको मेन कैनिबल कैंप बोलते हैं, क्योंकि जब भी कोई ये गेम में मरता है एक टाइम के बाद, तो वो एक कैनिबल कैंप में स्पॉन होता है, जो कि है एक मेन कैनिबल कैंप। तो वो कैनिबल कैंप में जाएंगे तो वहाँ पे अपन को मॉडर्न एक्स मिलेगा। तो अभी पहले हम लोग को ये देखना है कि वो कैंप किस तरफ है। वो क्या है कि अपने नॉर्थ साइड नहीं, साउथ ईस्ट साइड में रहता है अपने मैप की। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि कहाँ पे है हम लोग। देखिए वो माउंटेन्स जो दिख रहे हैं आपको वहां पे दूर में, वो है नॉर्थ साइड माउंटेन्स। तो अपन को जाना है इस तरफ। एक यहाँ पे एक या वाटरवे रहना चाहिए यहाँ पे, जो कि पूरा मैप को वो डिवाइड करता है। अनफॉर्चुनेटली इसमें मैप बाहर निकालने का एक तरीका रहता है, वो मॉड करना पड़ता है उसके लिए। वो नेक्स्ट टाइम मैं सिर्फ मैप के लिए मॉड करके रख लूँगा। तो ये है वाटर जो कि वहां से नॉर्थ माउंटेन से यहाँ पे आता है। तो अभी अपन को जाना है इस तरफ कहीं। तो यहाँ पे कहीं अपन को मिलेगा मेन कैनिबल कैंप। सो या, लेट अस फ्रीकिंग डू दिस गाइस। तो जैसे ही ये मेन कैनिबल मिलता है, कैनिबल कैंप मिलता है मेरे को, मैं आपको फिर मिलूंगा। बाय द वे, यहाँ याद रखना कि वो नॉर्थ साइड माउंटेन से सिर्फ साउथ ईस्ट की तरफ जाना है। यहाँ पे कुछ कैनिबल कैंप मिला है, तो देखते हैं कि यही है कि नहीं। मेरे को श्योरली तो पता नहीं है कि कैसे दिखता है मेन कैनिबल कैंप, लेकिन मेरे को लगता है कि ये नहीं है। फिर भी लेट अस चेक इट आउट। यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं सब लूट कर लेते हैं पहले। रेड पेंट। अगर आप लोग को रेड पेंट से क्या होता कुछ पता नहीं है, तो रेड पेंट से कैनिबल्स अपन पे, अगर अपन बिना मूव करे उनके तरफ ही देखेंगे, तो वो अब हमारे ऊपर अटैक नहीं करते, क्योंकि वो रेड कैनिबल जो है उनका, वो अपना किंग मानते हैं, किंग या फिर गॉड मानते हैं। तो वर्शिप करना स्टार्ट कर देंगे जैसे ही अपन बिना मूव करे उनकी तरफ देखेंगे। तो लेट अस चेक इट आउट कि यही है क्या वो कैंप। देखने में तो ये मेन कैनिबल, यहाँ पे इतने सारे कैनिबल्स है, थोड़ा दूर चलते हैं, आई मीन उनको नहीं दिखते हैं। और राइट, वो चले गए होपफुली। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि गैस के कैनिस्टर्स पड़े हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें गैस के कैनिस्टर्स की क्या जरूरत है, इसमें तो कुछ नहीं है। वहीं पे आप लोग रॉन्ग हो दोस्तों। इसमें गैस कैनिस्टर से बाद में अपन को सॉ मिलता है, जो कि मैकेनिकल सॉ रहता है।
उसको फ्यूल देने में अपन को काम आता है। और यहाँ पे पूरा कैनिबल्स की फौज है यहाँ पे पूरा, तो ध्यान से देखना पड़ेगा। एंड यही है शायद मेन कैनिबल कैंप, यस यही है शायद। चेकआउट कर लेंगे यहाँ पे जो भी है, पहले लूट कर लेंगे, क्योंकि मेन कैनिबल कैंप में जो है फूड वाटर और क्लॉथ वो सब बहुत सारे मिलते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, सॉरी फॉर द बीट, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये ओ वहाँ पे देख सकते हो आप कि ये मेरे को वर्शिप करने लगा। मेरे को कुछ आवाज आया, के बाद देखा तो ये पीछे बैठा है यहाँ पे। व्हाट इज अप माय फ्रेंड, यू वाना डाई माय फ्रेंड, यू डाई माय फ्रेंड, डाई नो प्रॉब्लम, यू कैन डाई। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा रेड कैनिबल को जो है पूजा करते हैं, आई मीन वर्शिप करते हैं, या वर्शिप और पूजा दोनों एक ही है। ऑलराइट, तो इस तरह से अपन कैनिबल्स को आसानी से हरा सकते हैं। यहाँ पे कैनिबल्स शायद ये सो गए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं एक क्या बनाने वाला था, यहाँ पे एक ये स्टिक मार्कर लगाने वाला था। ओ स्टोन नहीं है अपने पास, अगर यहाँ पे एक मार्कर लगा दूंगा मैं, तो इससे क्या होगा कि मेरे को पता चल जाएगा कि ये मेन कैनिबल कहाँ पे है, और मेरे को बार बार इसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब भी मेरे को क्लॉथ या फिर फूड की ज़रूरत होगा तो मेरे को यहाँ ही पे आना पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये बन गया अपना, और यहाँ पे देख सकते हो कैनिबल्स मेरे को बिना पकड़े कहीं और चले जा रहे। तो या तो ये है मेन कैनिबल कैंप, इसके बारे में अपन बाद में इसको लूट कर सकते हैं चाहिए तो। तो यहाँ पे आओगे मेन कैनिबल कैंप के पीछे की तरफ आओगे, तो यहाँ पे आपको पूरा स्कल्स का एक ये टनल मिलेगा, तो आप लोगों को वो टनल के अंदर जाना है। तो लेट्स फ्रीकिंग गेट इन टू दिस गाइस। तो ये है मेन कैनिबल कैंप, तो यहाँ पे आप लोगों आप जब भी बाद में ये गेम में जब भी आप मरोगे तो यहीं पे कहीं स्पॉन होते हो तो आप लोग। तो लेट्स फ्रीकिंग गेट इनटू दिस गाइस। यहाँ पे लूट करने के लिए बहुत सारे चीज़ें मिलेंगे आपको। यहाँ पे मेरे को बैटरी सब थोड़ा बहुत क्लॉथ मिल गया, टेप नाइस, टेप की भी ज़रूरत पड़ेगी बाद में बॉम्ब्स वो सब बनाने के लिए। राइट, लेट्स फ्रीकिंग डू दिस। ओ यहाँ पे टिमी का ओ ये मैप है, नाइस अपन को मैप मिल गया दोस्तों। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो राइट बॉटम पे मैप में यहाँ पे एक पिन है, उसका मतलब वहाँ पे अपन, तो अगर अपन मैप खोल के जाएंगे तो शायद जो मैप पूरा बनते जाएगा आई गेस, या फिर खोलने की ज़रूरत नहीं है, आई डो नॉट नो। अभी मेरे ऊपर रेड पेंट लगा हुआ है तो मैं वो रेड पेंट को निकालना नहीं चाहता हूँ। यहाँ पे आपको एक ड्रॉप मिलेगा, एक्चुअली आप लोग यहाँ पानी के अंदर से भी जा सकते हो, लेकिन वो कहीं और जाओगे, वहाँ पे जहाँ अपन को जाना है वहीं पे, वहाँ पे नहीं जाओगे। तो यहाँ से आपको नीचे उतरना है, यहाँ चाहिए तो आप उतर सकते हो या फिर जंप कर सकते हो, उतना ज़्यादा डीप भी नहीं है ये एरिया। और यहाँ पे आप लोग को अगर ये गेम खेल रहे हो और यहाँ पे आप मॉडर्न एक्स ढूंढने के लिए आए हो, तो आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे चार या पांच कुछ ऐसे कैनिबल्स रहेंगे, तो मैं शायद उनसे फाइट करूँगा या फिर नहीं करूँगा, मेरे को खुद को पता नहीं है। मैं अभी बहुत धीरे जा रहा हूँ बिकॉज़ आई डू नॉट वांट टू रन, और अपना स्टैमिना मैं बर्बाद नहीं करना चाहता। आई कैन हियर देम। तो यहाँ पे आप एक ऐसे प्लेस में आओगे, तो यहाँ पे जैसे आप बाहर आओगे तो आपको ऐसे दो प्लेसेस मिलेंगे, एक राइट साइड रहेगा एक लेफ्ट साइड रहेगा। लेफ्ट साइड इन द सेंस ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो ऑलराइट, तो लेफ्ट साइड जाना है आपको। यहाँ पे आपको थोड़े बहुत कैनिबल्स मिलेंगे, और ये वाइट कैनिबल्स है जो कि स्ट्रांग रहते हैं, केव के अंदर रहते हैं और स्ट्रांग रहते हैं ये लोग।
तो बहुत ध्यान से आप लोगों को इनको फाइट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एक वुडन वॉल रहेगा और एक और यहाँ पे लेफ्ट साइड एक और वे रहेगा, तो आप लोग को ये लेफ्ट साइड लेना है यहाँ पे केव से। ये ट्यूटोरियल नहीं है बाय द वे, तो मैं क्यों बता रहा हूँ कि आप लोग को लेना है लेना है सब पता नहीं, लेकिन यप अगर आप लोग जाना चाहते हो तो जा सकते हो। ओके वेट अ मिनट, ये क्या हो रहा है? ओह सॉरी, वहाँ पे थोड़ा बहुत अटक गया था मैं। तो हम लोग को यहाँ लिफ्ट लेना था और यहाँ पे आ गया अपन एक ओपन रूम में। तो ओपन रूम में आने के बाद यहाँ पे आप नीचे जा सकते हो चाहिए तो, या फिर यहाँ पे एक वुडन प्लैंक का आपको मिलेगा यहाँ पे एक वे। तो आप लोगों को ये वुडन वे लेना है और यह आप जैसे कि सुन सकते हो ये पूजा करने लगा मेरे को। यहाँ पे दो या तीन कुछ कैनिबल्स रहेंगे। ये कैनिबल एक मर गया, दूसरा कैनिबल भी यहीं पे कहीं पे रहेगा दोस्तों, वो देखिए आप। उनको अगर बिना अटैक करके रहोगे तो फिर वो भी वर्शिप करने लगेगा। ऑलराइट, तो यही था शायद लास्ट कैनिबल यहाँ पे। तो ऑलराइट, तो अपन जहाँ पे जाना है वहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ पे अंदर आने के बाद लेफ्ट साइड एक वे है। ऑलराइट, तो हम लोग को यहाँ पे जाना है, यहाँ पे यहाँ से नीचे जाएंगे और यहीं पे शायद यही कहीं हम लोग को मॉडर्न एक्स मिल जाना चाहिए। और यस, उतने ही कैनिबल्स है वहाँ पे। ओह ये तो बहुत डीप है भाई। और बाय द वे ऐसे स्लाइड करने से भी इसका स्टैमिना खत्म हो जाता है। और यहाँ पे थोड़े बहुत जॉम्बी के बेबीज जो है जले हुए पड़े हैं यहाँ पे। एंड आई थिंक यस अपन आ गए। यस गाइस, तो यहाँ पे थोड़े बहुत क्लॉथ्स भी मिलेंगे आपको, ये तो चेंज कर सकते हो। फुल क्लॉथ्स मिल गए, वेरी नाइस आई मीन। और यहाँ पे देख सकते हो एकदम लूट मचा सकते हो यहाँ पे आप चाहिए तो। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या मिलेंगे आप लोगों को, बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ें मिलते हैं यहाँ पे आप लोगों को। ये एक और कुछ लिस्ट मिला है अपन को, मल्टीपल स्टैब वुंड्स एट डरोमर्ग। अब यहाँ पे भी आपको रेड पेंट मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हो ये है डायनामाइट्स दोस्तों। ओके लाइटर नहीं जल रहा है, राइट। तो डायनामाइट जितना हो सके उतना ले सकते हो। और यहाँ पे आपको फ्लेयर्स भी मिलेंगे, क्योंकि बाद में आप फ्लेयर गन मिलेगा। ओह मॉडर्न बो के एरोस मिले हैं, मॉडर्न एरोस। ऑलराइट, रोप टेप रोप डायनामाइट्स और ये सोडा। और यहाँ पे देख सकते हो ये है मॉडर्न एक्स दोस्तों, इसको मैं एक बार इक्विप कर लूँ। ऑलराइट, तो मॉडर्न एक्स मिल गया है दोस्तों अपन को ये। तो यहाँ पे जितना भी लूट कर सकते हो आप लूट कर लो। और बाय द वे आप ये मॉडर्न एक्स को अपग्रेड भी कर सकते हो। और ये क्या पेंट ब्रश है कुछ तरीका का, शायद इससे अपन अपने सामान को भी कुछ पेंट कर सकते हैं। तो ऑलराइट, जिस काम के लिए यहाँ पे आया वो काम हो गया, यहाँ से बाहर निकलते हैं। अभी बाहर निकलने में अपन को बहुत आसानी होगी क्योंकि अपन ने सारे कैनिबल्स को मार डाला है ऑलरेडी। ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग बाहर आ गए हैं फाइनली। तो ये है मेन कैनिबल कैंप और यहाँ पे है वो जो टनल। ऑलराइट, तो यहाँ पे जितना भी लूट कर सकता हूँ लूट कर लूंगा मैं अभी। तो यहाँ पे ये शायद यप, अब जैसे कि देख सकते हो ये एक्स बहुत ही पावरफुल है, तो बहुत ध्यान से यूज करना दोस्तों। ऑलराइट, ओ बॉल आ गया, बॉल नहीं चाहिए एज आई ऑलरेडी हैव कुछ नहीं। ऑलराइट, मेरे को भूख लग रहा है तो थोड़ा बहुत खा लूँ मैं। यप, स्नैक्स है अपने पास। ऑलराइट, तो वी आर कम्प्लीटली फुल दोस्तों। तो मैं अपने पास रोप्स भी बहुत सारे हैं, थोड़ा बहुत लूट मचाए जा।
लूट किया जाए लूट किया जाए। और राइट, अभी बारिश हो रहा है, इसका मतलब मेरा रेड पेंट पूरा चले जाएगा, तो इसका मतलब अभी कैनिबल्स अगर आएंगे तो मेरा मेरे ऊपर अटैक कर देंगे उन लोग। तो ऑल राइट, तो सारे क्लॉथ ही मिलेंगे आप लोग को जितना भी देखो आप, या फिर रोप्स, या फिर ये जो क्रश नट्स है, या फिर सोडा पॉप्स कर सकते हो आप लोग उसको। ओह शिट, ओह, और यहाँ पे आपको थोड़े बहुत डायनामाइट चाहिए तो यहाँ पे मिल जाएंगे आप लोगों को। तो ऑल राइट, तो अभी चलते हैं अपने घर की तरफ अपन। ओह, और ये बॉक्सेस में आपको जो ये मिलते हैं इससे आप बॉम्ब्स बना सकते हो, टाइम बॉम्ब्स की तरह रहते हैं, इलेक्ट्रिकल बॉम्ब्स रहते हैं इन लोग, तो बॉम्ब्स तैयार कर सकते हो आप लोग। तो ऑल राइट, मैं अपना लाइट ऑफ कर देता हूँ और विदाउट लाइट चलते हैं, क्योंकि कैनिबल्स को अपन को अट्रैक्ट भी नहीं करना है। ऑल राइट, सो वी हैव सक्सेसफुली मेड इट बैक टू आवर हाउस। यहाँ पे मैं सेव गेम कर लूँ। एंड यस, मेरे को पता है कि मैंने घर का जो दरवाज़ा है वो उल्टी तरफ रख दिया है। ऑलराइट, वी हैव सक्सेसफुली मेड इट बैक गाइस। तो अभी एक काम करता हूँ, मैं अभी सो जाता हूँ ताकि सुबह हो जाए, जब मैं ये घर के ऊपर काम करूँगा तो ओके, सेव नहीं था, सोना था मेरे को। ऑलराइट, उठने के बाद तुरंत ही बाद मैं गेम सेव कर लेता हूँ यहाँ पे। ऑलराइट, तो मैंने नाइट की जो यहाँ पे आप ऑप्शंस में जाके यहाँ पे केव एंड नाइट ब्राइटनेस जो है मैंने बढ़ाया है, इसलिए आपको दिख भी रहा था वहाँ पे, वरना आपको दिख भी नहीं दिखता भी नहीं है नॉर्मली। तो अपना फुट जो है बिल्कुल फुल हो गया है, अभी भी बारिश गिर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इसमें पानी हो जाना चाहिए। ऑलराइट, पानी भी फुल हो गया है, तो लेट्स फ्रीकिंग चेकआउट कि कितने सारे शॉट्स में एक जो एक कितने सारे मॉडर्न एक्स के शॉट में एक पेड़ गिरा सकते हैं। तो लेट्स फ्रीकिंग डू दिस गाइस। बाय द वे, आप लोग को हिट भी एकदम ठीक तरीके से करना है। ओ ओ, ये तो बहुत ही फास्ट था दोस्तों, बहुत ही फास्ट था दोस्तों। ऑलराइट, वेल दैट्स फैंटास्टिक, क्या बोलते हो दोस्तों, एकदम झकास। ऑलराइट, तो इस तरह से मैं अपना पूरा घर बना के ये वाला फ्लोर कंप्लीट करके अभी आता हूँ दोस्तों। आप लोगों के एक सेकेंड होगा लेकिन मेरे को शायद 2-3 घंटे हो जाएंगे। तो लेट्स फ्रीकिंग डू दिस। ऑलराइट दोस्तों, सॉरी फॉर दैट। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मैंने रॉक वॉल को 2 हाइट कर दिया है, तो इसको मैं एक और हाइट का एक स्कीमेटिक ऐसे ब्लूप्रिंट लगा देता हूँ यहाँ पे। बाय द वे गाइस, एक बार आपने एक रॉक पूरा फुल कर दिया है रॉक वॉल को, तो उसके ऊपर ही सेम हाइट पे सेम ही लेंथ पे पूरा रॉक वॉल तैयार हो जाता है दूसरी बार जब लगाओगे। और ये मैंने स्टेयर्स को भी फिक्स कर दिया, पूरा मैंने रीमेक कर दिया है, अभी जंप करने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसमें पानी भी भर रहा है, वेरी नाइस दोस्तों। तो अभी मेरे को लगता है कि ये मार्कर की अपन को ज़रूरत नहीं है, तो ये मार्कर यहाँ से निकाल देता हूँ मैं, क्योंकि अभी जो वहाँ पे आप देख सकते हो वहाँ पे अपन का घर का सिंबल आ गया। तो ये हो गया 3 वॉल हाई रॉक वॉल, जो कि मेरे बेसमेंट फाउंडेशन को जो प्रोटेक्ट करेगा। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे थोड़े बहुत मैंने लॉग होल्डर्स लगा दिए, और यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने पूरा फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन कर दिया है, और यहाँ पे थोड़े और लॉग्स पड़े हुए हैं। कि ये मैंने क्या किया था मेरे को भी पता नहीं, कुछ तो हुआ, कुछ तो उठाया मैंने और कुछ तो तैयार हो गया, मेरे को भी पता नहीं क्या किया मैंने। तो या ऑलराइट, ये अपना हाथ भी देख रहा था। ओह, मेरे को लगता है वहाँ पे मट था, तो मट के ऊपर मैंने ई दबा दिया, तो इसने अपने आप को मट में कवर कर दिया, जो कि कामोफ्लेज हो जाता है। और यहाँ पे अंदर से अगर देखोगे तो सब नॉर्मली रहेगा, पूरा यहाँ पे अपना रॉक वॉल पूरा वॉल अपन ने बना लिया है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं गेम सेव कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो ये
अपना गेम सेव हो गया। और इसका कलर मैं ग्रीन कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो वहाँ पे पर्पल का एक फ्लैग आपको दिखेगा और यहाँ पे ब्लू दिखेगा और यहाँ पे आपको ग्रीन दिखेगा। पर्पल फ्लैग मतलब अपना मेन कैनिबल कैंप वहीं पे रहेगा और इस तरफ होगा बोट लोकेशन। तो ऑलराइट, तो अभी मैं सिर्फ एक फाउंडेशन का ब्लूप्रिंट लगा दूंगा, उसको बाद में मैं कंप्लीट कर लूंगा मैं कस्टम फ्लोर, आई मीन फ्लोर ही होना चाहिए। और राइट, ये देखिए, ये कॉर्नर पे आने से ये लग जाता है। अब ई दबाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक फ्लोर पूरा बढ़ गया है, बन गया है। अभी अपन को कितने लॉक्स चाहिए, यहाँ पे 38 लॉक्स चाहिए। और राइट, तो वो लॉक्स वो सब मैं बाद में कर लूँगा दोस्तों। अभी के लिए अपना पूरा बेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अपने पास है मॉडर्न एक्स, किधर गया मॉडर्न एक्स, इसको मैं क्विक स्लॉट में लगा लूँगा बाद में। राइट, तो अपने हाथों में है मॉडर्न एक्स और अपने हाथों में है पूरा फॉरेस्ट। और राइट दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगा आप लोगों से कल, आई मीन नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक मैं ये फ्लोर और ये रॉक वॉल कंप्लीट करके रखूंगा। उसके बाद अपन जाएंगे हंट फॉर द खटाना एंड द मॉडर्न बो। ऑलराइट, विदाउट एनी फर्दर एडू, हिट दैट नोटिफिकेशन बेल, हिट दैट सब्सक्राइब, हिट दैट लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट, इफ यू आर नॉट स्माइलिंग देन यू आर डूइंग इट रॉन्ग। बाय बाय, रावण लॉगिंग आउट। पीस।